सब्सक्राइब कीजिए स्टार गुरु यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलिएगा एकदम धमाकेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टार गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं वो कभी ना कभी हम सभी के साथ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम अपने मोबाइल के पैटर्न लॉक या पिन लॉक को अगर भूल जाते हैं तो उसको हम किस तरह से घर बैठे आसानी से उसको अपने फ़ोन को खोल सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये कुछ सब कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरे हाथ में लिनोवो का S60 मोबाइल है जिसका मैं पैटर्न लॉक भूल चुका हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे को पैटर्न लॉक याद नहीं है कि मैंने क्या लगाया था। तो अब हम इसको मैं आपको इसको ऑन करके दिखाऊंगा, इसका लॉक है वो तोड़ के आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना है। चलिए मैं मेरे मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मगर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसा करना हो तो आप अपने मेमोरी कार्ड और आप अपने सिम को बाहर निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपके जितने सारे कॉन्टेक्ट हैं वो और आपके जो मेमोरी कार्ड में जो अगर डाटा होंगे तो वो आपके यहाँ से डिलीट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको लेनोवो में ये जो आपको वॉल्यूम का ऊपर वाला प्लस माइनस और आपका पावर बटन प्रेस करना है। अगर आपके पास सैमसंग का है तो इसमें आपको पावर का प्लस माइनस, पावर बटन और होम बटन, चारों बटन आपको प्रेस करना है। तो चलिए मैं लेनोवो में आपको बताता हूँ। तो लेनोवो में हमको ये तीनों बटन हमें दबा के रखना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले स्विच ऑफ करना, फिर आपको तीनों बटन साथ में दबा के रखना है। चलिए मैं दबा के रखता हूँ। तो जैसे ही दबा के रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ के आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, एक चाइनीज लैंग्वेज ऊपर और नीचे आ जाएगी इंग्लिश। तब आपको इंग्लिश पे आने के लिए आपको वो जो वॉल्यूम बटन माइनस वाला है उसको, उससे आपको नीचे आना है। तो वॉल्यूम का नीचे ये दबाएंगे तो नीचे इंग्लिश पे आ जाएंगे। अब आपको पावर बटन पे ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये नीचे आपका पावर ऑफ, उसके ऊपर आया वाइप यूजर डाटा और उसके ऊपर और है, तो आपको आना है यूजर वाइप डाटा पे। ठीक है दोस्तों, तो इस पे आके आपको क्लिक करना है पावर बटन से, और फिर आपको वॉल्यूम माइनस से नीचे आना है यस पे, और फिर आपको पावर बटन पे ओके कर देना है, नीचे वाला जो पावर बटन उससे। जैसे आप ओके करेंगे तो दोस्तों ये आपके जो यूजर है, जो डाटा है वो वाइप हो जाएंगे। उसके बाद में आपको बैक करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको मिलेगा ये फोर्स फॉर्मेट डाटा, तो इस पर लाके फिर आपको पावर बटन है वो आपको ओके करना है, नीचे यस पे लाना है और आपको यस पे ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप ये एक्सपेक्ट करेंगे तो आपके जो डाटा है वो क्लीनिंग होने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद में दोस्तों आपको फिर से बैक आना है। अब फिर आपको बैक आना है, बैक वाला बटन आप यहाँ पे दबा सकते हैं। तो चलिए मैं बैक आता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर रिबूट, नीचे इंस्टॉल अपडेट, उसके बाद सबसे लास्ट में मिलेगा आपको पावर ऑफ। तो आपको पावर ऑफ पे तो आपको लाके और पावर बटन को दबाना है। जैसे आप करेंगे तो आपका मोबाइल है वो फिर से स्विच ऑफ हो जाएगा और फिर से ये ऑन होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये ऑन हो रहा है, तभी आपका जो मोबाइल है वो फॉर्मेट हो रहा है। इसमें यहाँ पे आपको कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि 10 से 15 मिनट लगे हैं, तो मैंने मोबाइल ये जो वीडियो है उसको यहाँ से कट करके मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मोबाइल है वो शुरू हो चुका है और अपना ये फॉर्मेट हो चुका है, और अपना जो पैटर्न लॉक था जो हमने भूले थे वो हट के और अपना मोबाइल है वो फिर से ऑन हो चुका है। और इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये मोबाइल है बिल्कुल नए की तरह हो चुका है, इसमें सब कुछ इससे डिलीट हो चुका है, अपना पैटर्न लॉक है वो हट चुका है। अगर आप भी अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक को भूल जाते हैं, पिन लॉक को भूल जाते हैं, तो आप इस तरीके से हटा सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास सैमसंग का मोबाइल हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये वॉल्यूम का माइनस, प्लस और पावर और होम, ये चारों बटन दबा के आपको सेम इसी प्रोसेस से आप अपने मोबाइल को जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, और आपका जो पैटर्न लॉक है वो दूर हो जाएगा, हट जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।